और हमारे परिवार के साथ। राजस्थान का हर बच्चा हर नौजवान हमारी शान है। कोरोना संकट में इन लोगों ने सबने बहुत मेहनत की, अच्छा काम किया, और ये सब नर्सिंग कर्मी हैं, ट्रेंड नर्सिंग कर्मी है। आज मुझे पता चला कि इनको उस वक्त मेरिट के आधार पर लिया गया, जो योग्य थे उनको लिया गया, और इन्होंने काम भी किया, 10 महीने इन्होंने राजस्थान में सेवा की। ऐसे में मेरा ये मानना है कि हमारा जो मेडिकल का मॉडल है राजस्थान का, उसमें चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब भी बहुत चिंतित हैं और वो लगातार मेडिकल की सेवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे लगता है इनका रास्ता निकल जाएगा। ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमें बहाल करके हमारी सेवाएं बहाल कर दो, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस को लेकर तो बार बार हम कॉन्ट्रैक्ट पे लेते ही रहते हैं लोगों को। ऐसे में मुझे लगता है, मैं पॉजिटिव हूँ, इनका रास्ता निकल सकता है। आज चीफ मिनिस्टर साहब से मैं बात करूँगा और बात करके इनका ऐसा रास्ता निकालेंगे। कई लोगों ने मुझे बताया है ब्याह टूट गया का, हमारा टेंशन हो गया। हाँ, वास्तव में अब किसी की सगाई होने के बाद टूट जाए तो कितना बुरा लगता है उसको, तो ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। तो गहलोत साहब ये कभी नहीं चाहते कि किसकी सगाई होकर टूट जाए, तो ये तो बड़ी बात है। तो इनके लिए रास्ता निकालेंगे। आपको उम्मीद है कि ये इनको इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरे पास आए काम से, ये मुझे कहते ये बात, तो इस पर मैं चर्चा करता, मैं इनकी मदद करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस।